तो हम लोग ना अभी फूल का पेड़ लेके आए हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ वो देखो, तो अभी हम लेकर आए हैं 1, 2, 3 और 4 4 फूल के पौधे लेके आएंगे। ये कौन सा है? है? अरे वही वही का स्टफ सुखाया कैसे ना, जेटा भंगी किसी लोग फिर तोड़ दिया मैंने यार। वो होता पता नीचे से कैसे होता। अरे यार ये हैं ये होता ये तो जाला तो ना चले जी का लगा लीजिए। कैसे वो वाला पेड़ दो और इसको ले जाके वो जहाँ ये था इसको रख देना। इसको वहां रख दो ऊपर। तो अभी बन रहा है चाय। अदरक का है? कैसे खत्म हो गया? कल ही तो लाया था। और अभी देखो शाम हो गई है और कुछ फूल के पौधे अभी ना बाकी है, वो गमले को खाली करना है, उसमें मिट्टी डाल के फिर लगाना है। तो चलो अभी मतलब इस डिब्बे में ये माधव का जो सेवलक है वो डालते हैं। एक्चुअली ये मम्मी लेकर आई है। कैसे डाले फिर? लो अभी मैं पूजा भी दूंगी पता है। दे देना, देखना नीचे ना गिरे। इसमें ना आर पार दिखता है। और एक लाना है माधव के लिए। ऐसा दूध पिया माधव ने? नहीं अखो नोट पे है जी बाबूजी, नोट पे उठने का प्रयास चल रहा है। छोंडा जाओ ना फोन। मैंने ना यहाँ पे बिस्किट गिरा दिया, देखो ये वाला बिस्किट गिरा दिया उसने। फिर से लेना चाह रहा है वो। हटाओ तो वहां से डिब्बा। तो इधर देखो, इधर देखो, ये महाशय अभी खेल रहा है। ये देखो देखो, फटा हुआ पैंट पहन लिया इसने, सिलाई करना पड़ेगा। दिख रहा है सब हगीज दिख गया माधव का। ये देखो इसके पापा खिलौना देके गए हैं, अभी इसी से खेल रहा है। ये देखो, अरे इस डॉल को ना मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, अभी पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये। अभी इससे खेलता है ना ये बहुत, और भी है और भी उतारना पड़ेगा उनसे भी, उनको भी रख दूंगी मैं। देखो 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 देखो, अरे बाबा रे माधव। क्या लेके आए? प्याज और आटा। और बाद बाकी जाऊंगा। एक नंबर देखते दो रहा तो एक नंबर बाइक से। तो अभी ना आ गई हूँ माधव के कपड़े छाटने के लिए। तो अभी माधव के जितने भी कपड़े हैं ना वो सारे इसमें से निकालूंगी और निकाल के तय लगा के रखूंगी, इनको लेके जाऊंगी क्योंकि माधव के कपड़े चाहिए होते हैं ना। तो इसलिए मैं थोड़ा
हस्बैंड से बात भी कर रही हूँ और इधर माधव के कपड़े भी तय लगा दे रही हूँ और बाद बाकी के जितने कपड़े हैं ना वो बाद में तय लगाऊंगी। अभी तो नहीं, अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि बहुत गुस्सा आता है कपड़े तय लगाने में। और कल कुछ कपड़े धोने हैं मुझे, मशीन में तो नहीं धोऊंगी, खैर हाथ से ही धोऊंगी, मशीन से नहीं धोना। मशीन से देखा कितना सारा धोया, हाँ अभी थोड़ा थोड़ा करके ना मैं धो दूँगी, अभी एक साथ इकट्ठे नहीं धोऊंगी क्योंकि ना अभी बारिश हो रहा है। कल रात को पता है बारिश भी हुआ था, मुझे नहीं लग रहा था कि धूप निकलेगा करके मेरे को टेंशन हो रही थी कि यार धूप नहीं निकलेगा तो मेरा जो कपड़ा है ये सूखेगा भी, क्योंकि ठंड में ना कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत हो जाती है बारिश में, ठंड में जितना भी आप मशीन में ड्राई कर लो फिर भी मतलब उसमें नमी रह जाता है और फिर स्मेल हो जाता है, तो टेंशन हो रहा था मुझे काफ़ी। तो लकीली क्या कहते हैं धूप निकल गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। अभी आ गई हूँ इस रूम में, कुछ कपड़े बचे कुचे कपड़े मैं स्टब में लेके आ गई, यहाँ पे माधव अकेला सोया है ना तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं और जाऊँगी उस रूम में अभी, क्योंकि थोड़े से साफ़ करने हैं उस रूम में। मैं ना हर काम ना थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ क्योंकि एक साथ लोड लेके ना कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके अगर काम करूँगी ना तो फिर मेरा काम भी हो जाएगा और क्या कहते हैं थकान भी नहीं होगी। तो मेरा जो काम काज है ना वो थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, मेरे दिमाग में बिठाने में। तो देखो गाइज मैंने सारे कपड़े ना अच्छी तरीके से तय लगा के रख दिए हैं। माधव के सर में काफ़ी दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं क्यों, जब मैं वॉइस दे रही हूँ ना तो काफ़ी सर में दर्द हो रहा है। और आ गई हूँ मैं किचन में और हस्बैंड लेके आए हैं आटा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये कौन सा आटा लेके आए हो, तो उन्होंने बोला कि मैंने लाया पापा लेके आए हैं, तो पापा ने भेजा है आटा ये। बट आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मम्मी ने चावल बना दिया था जल्दी जल्दी, मम्मी ने आज खाना बना लिया है अपना और मैंने बोला मैं आज बना दूँ रोटी, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने खाना बना लिया है और मैं अपने हम दोनों के लिए ना थोड़ा सा चावल पका रही हूँ, देखते हैं आज क्या खाते हैं। वैसे तो मेरी भूख नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं शाम को नर्सरी गई थी ना तो तब हस्बैंड ने मुझे मोमो एंड राइस खिलाया था, तो तब से ना भूख नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन रात को ना बिना खा के मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि ना पेट में बहुत दर्द होता है मेरे, मैं बिल्कुल भी बिना खाए सो नहीं पाती हूँ, चाहे जैसे तैसे मैं कुछ ना कुछ खाती ज़रूर हूँ। तो गाइज देखो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत तो चावल मैं पका रही हूँ मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, और दोपहर का थोड़ा सब्जी है वही से हमारा काम चल जाएगा। और इधर मैं पानी भर ले रही हूँ बोतलों में। गाइज अभी देखो मैंने जो कपड़े हैं ना वो मैंने अभी तक तय नहीं लगाए हैं, थोड़े बहुत तय लगाए हैं। तो गाइज एक मिनट था, मैं आई थी इस रूम में काम से, पकड़ो ना इसको, ये जो कुछ सामान है ना, हाँ ये झलर वगैरह ये सब रख दो, दिवाली के सारे आइटम है ये। सही हुआ यार यहाँ पे बहुत गंदगी हो रहा था, कचरा हो गया, और उस रूम पे काम करने जाऊंगा ना ठंड लगता है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे खिड़की भी बंद रहता है हवा नहीं आती। अभी तो पहना होगा ठंड में, गर्मी के टाइम होगा भी हो जाएगा, तो हो चाहे ना हो अभी क्यों पैदा हुए, पहना हुआ नहीं लेकिन चड्डी तो हो जाएगा। देखो चड्डी बहुत बड़ा बड़ा है ये चड्डी दे रखा है लोगों ने, और दिखाऊं मैं आप लोगों को, दिखाती हूँ ठीक है थोड़ा बहुत क्या क्या माधव को मिला है। माधव के पास ऐसे ना ऐसे चार कपड़े चार स्वेटर है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको यूज करवा दूंगी मैं आके, इसको कोई फायदा नहीं है। क्या बोले पन्नी को थोड़ा
ये देखो टी शर्ट कितना बड़ा बड़ा, जिसने भी दिया ना अच्छा दिया, बड़े वाले का। देखो कितना बड़ा बड़ा, ये सब सही है, गर्मी के टाइम होगा। अच्छा रख देते हैं संभाल के, ये छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, ये ओके ओके है, लेकिन ये भी एक साल बाद पहन पाएगा ना। रख देते हैं, ये मस्त है, ये काफी बड़ा है, ये अभी पहना दूंगी मैं, क्या कहते हो? है ना? हाँ, तो पहना दूंगी। सोया है और मैं इधर माधव का जितना भी कपड़ा है ना ये सब अरेंज करके रख रही थी, देखो सब अरेंज करके रख दिया है मैंने। इधर माधव के सारे स्वेटर वगैरह है, इधर पैंट्स है, उधर कोने में सॉक्स वगैरह है। इसके कपड़े ना उलझे हुए नहीं रहते, मैं एकदम सेपरेट करके रखती हूँ। खाने में देखते हैं क्या बनता है, अंडा लेके आते हैं शायद हस्बैंड, अंडा बनाऊंगी।